आकांक्षी जिला कोरबा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही जल ग्रहण विकास योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा जिला के सूखा प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हांकित कर नाबार्ड ने इन क्षेत्रों में जल संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया है। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक संजीव कुमार प्रधान ने बताया कि करतला विकासखंड के ग्राम पुरैना, खरहरी और बीरतराई में जल ग्रहण विकास योजना के तहत जल संरक्षण को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। हम लोग जो है सूखा प्रभावित एरिया में जल ग्रहण विकास योजना का प्रोजेक्ट का संचालन कर रहे हैं और ये सब परियोजना का जो खूबी है ये इसमें क्या ग्रामीणों की भागीदारी के साथ इस प्रोजेक्ट का हम कार्यान्वयन कर रहे हैं। तो कोरबा जिला का जो करतला विकास खंड है उस एरिया में हमने हमारा ये दो का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, एक पुरैना खरहरी गांव में और एक बीरतराई में, ये करतला ब्लॉक में आता है। जल ग्रहण विकास योजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों ने बताया कि पहले गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने के साथ ही कुओं का जल स्तर काफी नीचे गिर जाता था। ऐसे में गर्मी के दिनों में पानी के बिना फसल नहीं लगाई जाती थी। नाबार्ड ने पहाड़ी क्षेत्रों के नीचे ट्रेंच कटिंग के साथ ही कंटर बंडिंग, फार्म बंडिंग और चेक डैम का निर्माण कराया। नाबार्ड द्वारा बनाया गया है सर, ये नाबार्ड के माध्यम से बनाया गया है और ये चेक डैम है। ये चेक डैम बनने से यहाँ निजी जमीन हो, ये निजी जमीन में जो खेती है उनको यहाँ सिंचाई हो सकता है। पहले क्या समस्या था? पहले समस्या था यहाँ ऐसा नहीं था। ये चेक डैम बनने से पानी यहाँ रुक रहा है और इसका लाभ मिलेगा किसानों को, अब पहले ऐसा नहीं था। पहले हम प्रत्येक माह कुआं का मेजरमेंट लेते हैं सर, तो कुआं अप्रैल जून जुलाई में सूख जाता था। अभी दो साल जब काम चला है ना तो कुआं का स्तर जून जुलाई में भी मतलब बरकरार रहता है सही। इसको बनाने से क्या फायदा होता है? इसमें बनाने से पानी का रुकाव रुकता है सर, तो नीचे रिस्क नीचे जो खलिहान है, खेत है, वहाँ तक पहुँचता है पानी। गौरतलब है कि नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही बारिश के पानी को संरक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है।